उमेश पाल हत्याकांड में पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबियों पर एक्शन शुरू हो गया है। प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबी बिल्डर खालिद जफर के घर पर बुलडोजर चला है। अतीक अहमद के घर के बगल में रहने वाले बिल्डर खालिद जफर की अवैध संपत्ति पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चल रहा है और इस दौरान खालिद जफर के घर से दो विदेशी बंदूक और एक तलवार बरामद हुई है। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान का असर अब जमीन पर दिखने लगा है, लेकिन ये कोई पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले जगह जगह पर इस तरीके से ही माफियाओं के आशियानों को ढहाया जा चुका है। यूपी सरकार की तरफ से कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बुलडोजर कार्रवाई की। प्रयागराज में बुलडोजर चला है और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, गुर्गे के घर पर राइफल मिली है। पोस्टर में अतीक और करीबी की तस्वीर भी नजर आ रही है। मिट्टी में मिलाने वाला एक्शन आप देख लीजिए जमीन पर किस तरह से कारगर साबित हो रहा है, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस का फोर्स भी तैनात है कि अगर कोई इस कार्रवाई में विरोध पैदा करने की कोशिश करता है तो फिर उससे निपटा जा सके। तो आपको बता दें कि पूरा मामला जो है राजूपाल हत्याकांड को लेकर है। राजूपाल की हत्या की गई थी, उमेश पाल जो कि राजूपाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था उसकी हत्या कर दी गई और उस हत्या के बाद जो माफिया हैं, जो इस हत्याकांड में शामिल हैं, उनके आशियानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। देखिए, जो अपराधी है और उसके खिलाफ कार्रवाई करना यह पुलिस प्रशासन का दायित्व भी है, और जो अपराध हुआ है प्रयागराज में श्री उमेश पाल जी की हत्या का, वह साधारण अपराध नहीं है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ जितनी भी कानून के दायरे में कार्रवाई कठोर से कठोर की जा सकती है की जाए, ये हम लोग अपेक्षा करते हैं और पुलिस उस कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। छुपे होंगे, उनके ठिकानों पे उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है। इनको पाताल लोक से भी खोज कर लाएंगे कि जहां कहीं जाके छुपे होंगे इनको वहां से हम खोज कर लाएंगे। और इतना जरूर कहना चाहते हैं, जब ये पकड़े जाएं कहीं तो गाड़ी में बैठते समय ज़्यादा हायतोबा ना करें, नहीं तो ड्राइवर असंतुलित होके डिस्टर्ब होके कहीं गाड़ी पलट ना जाए। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि बाद में ये लोग आरोप लगाते हैं कि गाड़ी पलट गई, अब अपने आप शोर मचाओगे वहां पर, तो आराम से बैठो, फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको दंडित किया जाए। फॉलो करें, पूरा फॉलो करें वो भी, और यहाँ सरकार भी फॉलो करेगी और कानून के द्वारा ही उनको सूली पे लटकाने का काम किया जाएगा। तो देखिए किस तरीके से पूरे मामले में एक्शन लिया जा रहा है, बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आलोक मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, कार्रवाई अभी भी जारी है या फिर खत्म हो चुकी है? जी देखिए, बाबा का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। 6 बुलडोजरों की फौज के साथ प्रयागराज विकास प्राधिकरण की पूरी टीम इस समय जफर के घर के बाहर मौजूद है। एक बुलडोजर जब थक जाएगा तो दूसरे बुलडोजर को लगाया जाएगा और पूरे 200 वर्ग गज के अंदर बने इस पूरे मकान को जमींदोज करने का काम शाम तक करने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन जो आज से कार्रवाई शुरू हुई है ये लगातार जारी रहेगी और आगे भी इस तरह की कार्रवाई आपको सुरभि देखने को मिल सकती है। लगातार इस तरह की यह कार्रवाई जो शुरू हुई है यह जारी रहेगी, ऐसा प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी है उनसे बातचीत में उन्होंने ये बातें कबूल की है और बताया है कि अब लगातार इस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा। माफिया का अतीक अहमद के जो भी करीबी हैं उनके मकानों को चिन्हित किया जा रहा है। उमेश पाल की हत्याकांड में जो शामिल थे उनके बारे में तफ्तीश से जानकारी जुटाई जा रही है। इसके साथ ही जो भी लोग इस हत्याकांड में शामिल है उन हत्यारों को लगातार दबोचने का काम भी पुलिस कर रही है। और इसके साथ ही आलोक, सुबह से ये जो कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जरा ये बताइए कि अभी तक कितने गुर्गों के नाम सामने आ चुके हैं और कितने गुर्गों की संपत्तियों को चिन्हित किया जा चुका है जिन पर बुलडोजर चल रहा है? लगभग सुरभि 1 दर्जन से अधिक जो गुर्गे हैं उन गुर्गों को चिन्हित किया गया है। अतीक अहमद की 120 करोड़ से अधिक की संपत्ति को अभी तक जमींदोज किया गया है या कुर्क किया गया है। सबसे ज्यादा काम अतीक अहमद के लोग जमीन का करते थे और उनकी जो जमीन पर अवैध रूप से निर्माण किए गए थे उन निर्माणों पर कार्रवाई की गई और अब मकानों की बारी है जहां जिस आलीशान आशियाने में वो रहते थे उन पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले अतीक अहमद का सबसे जो करीबी है जफर, जिसके घर में अतीक अहमद के पूरे परिवार ने शरण ले रखी थी, किराए पर रहते थे, उसके मकान को जमीन बिल्कुल आलोक और अभी ये तो शुरुआत है। जफर का नाम सामने आया, उसके आशियाने को ढाया जा रहा है। अब जो जिस जिसका नाम सामने आएगा पूरे मामले में उस पर भी इसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।